अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है मेरा भाई तो नीम करोली तो आना पड़ेगा ना मेरी जान। जय श्री राम। ईश्वर की भक्ति यदि पूर्ण निष्ठा से की जाए तो कभी खाली नहीं जाती। महाराज जी हमेशा कहते थे कि ईश्वर की भक्ति करने वाले को आज भले सफलता न मिली हो, परंतु एक निश्चित अवधि के बाद व्यक्ति की सफलता प्रभु के द्वारा जरूर मिलती है। इसलिए नियमित अपने आराध्य पर, अपने प्रभु पर हृदय से भक्ति भाव बनाए रखे तथा नियमित उनका नाम जपते रहे। देखो यार, दुख तकलीफ तो जिंदगी में आते रहते हैं, उन्हें देखकर जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमारे प्रभु श्री राम जी को जीवन में कितना दुख सहना पड़ा था, श्री कृष्ण भगवान को कितना दुख भोगना पड़ा था। हम तो फिर भी इंसान हैं, बस आप अच्छे कर्म करते रहो, हनुमान जी एक दिन आपको जरूर सफल बनाएंगे और सारी दुख व पीड़ा को दूर करेंगे। कलयुग में हनुमान जी ही एक ऐसे देव हैं कि जिस व्यक्ति पर उनकी कृपा होती है उसे कोई बाधा छू नहीं सकती। उनकी भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। जो व्यक्ति पूर्ण निष्ठा से हनुमान जी की शरण में जाता है, समझ लो फिर कोई बाधाओं से छू नहीं सकती। हनुमान जी एक ऐसे देवता है जो अपने भक्तों पर सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं और उन पर कृपा बरसाते हैं। अब जानते हैं कौन से वे संकेत हैं जिससे हम ये समझ सकते हैं कि हनुमान जी हमारे साथ हैं। नंबर एक, यदि आपके सपने में प्रभु श्री राम या भगवान हनुमान आते हैं तो समझ लें कि हनुमान जी आपके साथ हैं। नंबर दो, अगर आप निडर हैं और सच्चाई के साथ जीवन को जीते हैं तो समझ लो कि आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा है, क्योंकि हनुमान जी जिस भी व्यक्ति से प्रसन्न रहते हैं वह व्यक्ति भय मुक्त और निर्भीक होता है। नंबर तीन, अगर आपको पहले की तुलना में अभी किए हुए कार्यों में अचानक से सफलता मिलने लगती है, वो भी बिना किसी बाधा के सामना किए, तो समझ जाना कि यह सब हनुमान जी की कृपा से हो रहा है। नंबर चार, शनि की साढ़े साथी या अन्य किसी भी तरह की शनि की पीड़ा का असर आप पर नहीं होता है तो यह इस बात का संकेत है कि हनुमान जी आपसे प्रसन्न हैं। नंबर पाँच, यदि आप झूठ नहीं बोलते और सबके साथ प्रेम भाव रखते हैं, परिवार व दोस्तों के साथ किसी भी प्रकार के विवाद में नहीं उलझते तो यह हनुमान जी की कृपा होने का संकेत है। नंबर छः, आपके हाथों में अगर मंगल रेखा स्पष्ट नजर आ रही है तो आप पर हनुमान जी की कृपा है, लेकिन आपको बुराइयों से दूर रहना होगा। इसी तरह कुंडली में यदि मंगल मेष वृश्चिक या मकर राशि में है, या सूर्य और बुध एक ही जगह पर बैठे हैं, या दसवें भाव में मंगल है तो माना जाता है कि यह मंगल नेक है, और मंगल के नेक होने का अर्थ है हनुमान जी आपसे प्रसन्न है। यदि आपको इस संकेत मिल रहे हैं तो समझ लो कि हनुमान जी आपके साथ है, उनकी कृपा आपके साथ है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय गुरुदेव।